आवाज जा रही है क्या? बंद कर दो आवाज। बच्चा आ गया ना, ज्वाइन हो गया ना, ये ये यहाँ से ज्वाइन आपका। हेलो। 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 हाँ, स्टूडेंट्स आर लिंकिंग।
Hello.
माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, हेलो, आर यू हियरिंग मी? हेलो, यू आर नाउ यूजिंग द डिवाइस ऑडियो। होंगे क्या भैया, गए होंगे? मैगी से हो गया यार, ये ऑन करानी है एक बार, देखो अभी चल रहे पर बच्चे देखो बच्चे हैं या नहीं है। आपको क्या करना था, आपको शेयर स्क्रीन करके पढ़ाना है ना? तो ये लड़कों के सबके दिख रहे हैं, ये है ना, शेयर कर दो। अब ये दिख रहा है बच्चों को। अच्छा, बोलूंगा जो जाएगा वो, जो आप जो बोलो जा रहा है बच्चों को, तो आप क्या कर दो सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं आपको। स्टार्ट, अभी मैं बोलता हूँ। बच्चों का बंद कर देते हैं सारा। रिकॉर्डिंग भी है ना अभी चल रही? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है?
तो वो है जब पूछ रहा हूँ स्टूडेंट से, मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, हियरिंग मी? हेलो, यस सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो सर आ रही है, एक मिनट। अभी आप आ रही है तो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। हमारा फर्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। तो इसका जो सिलेबस है आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो फर्स्ट जो इसकी स्लाइड है इसमें है, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। ये आपके एक्चुअली सिलेबस का इसका सब्जेक्ट का नाम है आपके, ठीक है? हेलो, हाँ सर। यस सर, हाँ। और इसमें कुछ तीन या चार हेडिंग्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है? तो इन दिस सब्जेक्ट फर्स्ट हेडिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेट प्रोसेसिंग। वेट प्रोसेसिंग इन द फर्स्ट एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग। हेलो, हेलो, फर्स्ट इन द फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ वेट प्रोसेसिंग इन दिस। एक्चुअली वेट प्रोसेसिंग मीन्स फैब्रिक इज ट्रीटेड इन वेट कंडीशन और एक्वस मीडिया। पार्टिसिपेंट को बोलिए अगर कोई दिक्कत हो जाए। ठीक, शुरू कर दीजिए स्लाइड में। स्लाइड में ठीक, आपको वो कर दिया मैंने माउस। हाँ ठीक है, अब आप बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ अच्छा, इनकी तो आवाज आएगी नहीं ना मेरे। उनको बोला हेलो, सब अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है इसमें? इंट्रोडक्शन टू वेट, इंट्रोडक्शन ऑफ वेट प्रोसेसिंग। तो इन दिस हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट द वेट प्रोसेसिंग, द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग मींस व्हाई प्रोसेसिंग इज डन एंड व्हिच प्रोसेसेस आर नोन एज एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, एंड सेकेंड इंप्योरिटीज इन ड्रा कॉटन वूल सिल्क एंड लिनन। As we know, all the natural fibers are obtained from the nature. And these fibers as मैं उधर है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आपको डिस्प्ले से ऐसा काम नहीं कर रहा दिमाग वाला।
as you know, all the natural fibers are occurs from the nature, and these fiber contains different type of impurities. Natural fibers mostly like cotton, wool, and silk, linen, jute, etc. Different type of impurities such as added impurities and natural impurity. We added the fiber. We discuss in this topic. Now, second, adventitious impurities in grey fabric. देखिए impurities जो है grey fabric में ही है. जैसे कि साइल होती है आपके जो कपड़ों पे वार्प यान पर जो माड़ी चढ़ाते हैं, that is adventitious impurity. Adventitious impurity means the impurity added into the fiber. Fiber in the yarn form, and these impurities are hold rakhay mein. These impurities are necessary to remove. Objects of different processes involved in the singeing, desizing, and scouring and bleaching. So, there are different pre-treatments. For example, singeing, desizing, scouring, and bleaching. And why these treatments are carried out is will be discussed in this topic. ऊपर जाइए, आगे पीछे जाने से पहले भी चले जाओगे ना? सेकंड प्रीट्रीटमेंट्स, प्रोसेसिंग सीक्वेंस इन conversion of grey cotton fabric into semi-bleached and mercerized fabric. There are different sequence. Processing sequence means the sequence or unit operations which included into the different fabrics like cotton, wool, silk to make their fit for wearing purpose. These processes are known as processing sequence. For example, in cotton, so desizing, scouring, mercerizing, bleaching, these are the different processing sequence. Then the pre-treatments of wool and silk fabric. These fiber are different from cotton because these are cottonous fibers. So these have different type of processes. For example, wool, starting from scouring, then bleaching and dyeing. Desizing not requires wool because it have no size material. And same as silk fabric, no scouring, no desizing. Only bleaching processes occurs in the silk fabric. Bleaching and degumming and bleaching is and second, introductory knowledge of machineries used in scouring and bleaching of cotton fabric. All the pre-treatment processes are carried out on different machines. So necessary to get a brief
knowledge of machines. So in this heading, introductory knowledge of different machines is carried out. नेक्स्ट स्लाइड का आने में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट उसको अपडेट कर देंगे पहले वाले एरो को साल आगे बढ़ते रहोगे आप यहाँ रे आप उस समय तक किसी से भी नहीं रहे यार कुछ इसमें दब गया कुछ चीज आप पहले बाहर मान रहे ना आप ना पहले स्लाइड के अंदर थे आप अच्छा अब आप बाहर आ गए हो पहले जैसे ये है ना ये इसका मतलब है आप इस स्लाइड के अंदर हो ठीक है पहले बाहर क्लिक कर ही देंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे पीछे स्क्रॉल डाउन After pre-treatment, we will start the dyeing. Means there are different type of fibers and different type of dyes are used for these fibers. So there is no any fiber which for which a particular dye may be used or no any dye which may be used for all type of different fibers requires different type of dye and different type of machineries. For example, direct dye used for cotton, wool, etc. Acid dye is used for silk and wool, basic for acrylics, red dye for cotton. And dispersed dye, particularly used for polyester fabrics. Finally, introductory knowledge of dyeing machines. So, same as pre-treatment machines, different type of dyeing machines are introduced in this heading. So, it is a brief knowledge of syllabus. Now we will start the first heading, the elementary knowledge of processing. Student, it is necessary for getting the brief introduction of processing. That what are the elementary knowledge, what are the elementary processing, and why it is required. A fabric just after the loom, that is just after weaving or knitting, it is called gray fabric. It may not be used for wearing purpose, and it may not use for wearing purpose due to its some impurities like size, roughness, natural coloring matter, added impurities like dust, spots, oil marks, etc., and so many type of other impurities. So it is necessary to remove all type of impurities for a fabric to send it market for selling. So different type of processes are applied on it. So because why these impurities are should be removed, because all type of these impurities are hydrophobic in nature. Hydrophobic nature is then hydrophobic nature resists the water to penetrate inside the fiber.
So it is necessary to remove these impurities because this nature, because if a gray fabric, gray or sized fabric is used for dyeing, then dye particles may not easily penetrate inside it. So it is necessary to remove the dyeing. It is necessary to remove the sized particles from the fabric. So remove of natural as well as added impurities like size, coloring matter, fat, waxes, etc., and addition of some impurities according to fabric and uses, fabric and use, and dyeing, printing, and finishing, all are together known as processing. Means processing contains all the pretreatments which are necessary for a fabric. All the pretreatments which are necessary for a fabric. माइक ऑफ करिए स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है, इसको ऑफ करिए माइक को अपने। तो प्री ट्रीटमेंट्स कंटेन ऑल टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर डूइंग वेट प्रोसेसिंग प्लस सम एडिशनल ट्रीटमेंट्स व्हिच एडेड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज टू द फैब्रिक are known as pretreatments, and printing, dyeing, and finishing are also known as processing. Okay. And FLS, where all the above processes are carried out in wet condition, is known as process house. That is, process house is a palace where all the pretreatments, dyeing, printing, finishing, etc., are carried out on different type of machines or different type of textile machines. In the Bhilwara, near about 19 different processes house, which processes near about 50% shooting fabric of the India. So, well-known process house of Bhilwara are Sangam process house, BPL process house, Suzuki, etc. Second, the weight processes impurities, the quality of second, the wet processes improve the quality of the fabric. First aim of wet processing is that the wet processing removes all type of impurities which contains by the fiber, that is natural fibers. And second, the wet processes improve the quality of the fabric. For example, we prepare the fabric for umbrella. So different waterproof and as well as water resistantness is to be required for the umbrella fabric. So this type of finish is given into the process house. Same as flame retardant fabric, which is required for the person which are engaged with fires, for example, petrol pumps, firefighters, and the places which have the hazards of fire. So fireproof finish is given to the fabrics. These are the additional properties which are added to the fabric in process house. Same as the impurities, for example, oil, fat, wax, grease, these material are
removed from the fabric in the process of by the pre-treatments like desizing, scouring, bleaching, etc. Now, second impurities in rag, cotton, wool, and silk, silk and linen. Now, different type of fiber. These all are the natural fibers. Cotton, as you know, study in the textile fibers. Cotton is obtained from the field. Cotton is a natural fiber or natural seed fiber. Different type of natural fibers, which are divided into different portions. Natural fibers are divided into the main three main portions in first vegetable fiber, animal fiber, and mineral fibers. In natural vegetable fibers are divided into four main portions: seed fiber, bast fiber, leaf fiber, and fruit fibers. The seed fibers are the fibers which are with the seeds, or fiber is growth with the seed. Bast fibers are the fiber obtained from the stem of the fiber or stem of the head plant. For example, seed fibers are the cotton and kapok, which are obtained from the fibers which are obtained from the nature with the seed. And second, bast fibers are the fibers which obtain from the stem of a plant. जैसे आपके सन का पेड़ होता है, सुतली होती है, लिनन होता है, ये सभी बास्ट फाइबर्स हैं जो कि आपके स्टेम से, किसी पेड़ के स्टेम से मिलते हैं, ठीक। और लीफ फाइबर्स, बनाना फाइबर इज ए लीफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ ए प्लांट। सेम एज fruit fiber, the fiber which is obtained with the fruit of the plant. The only one example of this type fiber this is fiber that is coconut fiber. Of course, coconut fiber is not used for wearing purpose, but it is used for making mattresses, doormats, ropes, and other geotextile purpose material, but not used for bearing purpose. So we discussed about the cotton fiber. Cotton is obtained from the plant Gospium herborium. The botanical name of cotton plant is Gossypium herborium. And it is a plant which provides cotton fiber. All the natural fibers occur from the nature. In nature, these produces biological substances. Hence, these contains many impurities. तो जिस तरह दूसरे फाइबर्स में इम्प्योरिटी होती है, कॉटन फाइबर में भी इम्प्योरिटी होती है, तो फाइबर के साथ में होती है। तो देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, कंस्टिट्यूशन एंड इम्प्योरिटी। तो कंस्टिट्यूशन एंड इम्प्योरिटी, फर्स्ट कंस्टिट्यूशन, द फाइबर विच मेक्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल नोन एज कंस्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, in cotton fiber, cellulose is the main content from which the cotton fiber makes. But the other materials are considered as impurities. For example, cotton
cotton is obtained, for example, that dust gives seed particles and coloring matter, ash, protein, proteins, the size material. In case of cotton fabric, these all are considered as imperatives. Now, cotton is obtained from the plant with seed. The seed must be removed and the fiber packed in a bale before sending in a spinning mill. फील्ड से कॉटन फाइबर प्लक ऑफ करने के बाद में उसको सीधा जिनिंग मिल भेजा जाता है. जिनिंग मिल में कॉटन फाइबर और सीड दोनों को सेपरेट किया जाता है. कॉटन फाइबर है मिल में भेजते हैं और कॉटन के जो सीड्स हैं उसको फूड इंडस्ट्री में भेजते हैं. तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो कॉटन फाइबर में कॉटन का जो प्लांट है जिससे कि फाइबर मिलता है, तो कॉटन का जो पॉड है उसमें प्लग्ड ऑफ कॉटन जिसको बोलते हैं, प्लग्ड ऑफ कॉटन इट कंटेन्स नियर अबाउट 66% कॉटन, 66% सीड्स, 33% fiber and 1% leaves, dirt, dust and other type of impurities. कितने टाइम तक चलता है मीटिंग? 40 minutes. Extraction of seed from cotton fiber is carried out by the processing ginning. The fibers are sent to spinning plant and seeds to the cattle food plants or cattle food industry. So, now students, today's topic is ended and we will meet on Thursday on 12 p.m. ओके okay. इसको वो करना है अपना शॉप आ रहा हूँ ना एक Thank you.